मंजू जी चाहती हैं कि कॉर्डलेस मां उसको मां का स्थान दिया, और इतना ही नहीं, जटायु, हनुमान, सुग्रीव, श्रृंखला है, जामवंत सबको अपना मित्र बनाया, और इस प्रकार मित्र बनाते हुए उस समाज को ही असुर भी जन्म लेते हैं और देवता भी आते हैं। कष्ट ये नहीं है कि दुष्ट जन सक्रिय होते हैं, कष्ट तो ये होता है जो आज जाकर के ऑक्सफर्ड और कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में टंके की चोट पर भाषण देकर आते हैं और सीधा सीधा देश के हित पर देशद्रोही की तरह प्रहार करते हैं, अटैक करते हैं। नाम लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझती। जितने विद्वान यहां और समझदार सभी बैठे हैं, सभी समाचार की दुनिया में रहते हैं। बंधुओं और बहनों, हमारा पूरा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हम उनके चंगुल से, उनके दुष्प्रचार से, उनकी सामाजिक कुरीतियों से एवं देशद्रोह के इस षड्यंत्र रक्षा के नाम पर उस दलित को और अधिक दलित बना दिया। लेकिन चाहे वो एकल विद्यालय हो, चाहे श्रीहरि सत्संग समिति के माध्यम से चलने वाली संस्कार शिक्षा हो, सम्मान तो हमने दिया है उसका, क्योंकि उसके पैरों में समाज झुक रहा। ये है तरीका। मैं आज आप सबके सामने निवेदन करना चाहती हूं, लेकिन इनका सघन नेटवर्क जबरदस्त है। 30 साल का जीवन मैं अपना जंगलों में बिताती, बस्तर हो, छत्तीसगढ़ हो, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स हो, हर रूपों में ये विद्वान दिख जाते हैं। इनसे बचना है, इनको काउंटर करना आसान नहीं है, और उसका एक ही तरीका है कि हमारा जो अपना समाज है उसकी आस्था, उसकी परंपरा, उसके संस्कार, उसकी पहचान, उसकी अस्मिता, उसके जीवन की रक्षा करती है, और उसके लिए हमें उसके पास जाना होगा। जीवन मृत्यु का सवाल है। अगर अपने इन भाई बहनों को, इन वनवासियों को, इन गिरिवासियों को, इनको हमने अगर गले से नहीं लगाया, इनके दर्द की चिंता नहीं की, वह आप सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय पिता तुल्य स्वामीचंद जी, माननीय काम दोनों वनवासियों के लिए किया जाता है और किया जाता रहेगा, यही हमारी भारतीय संस्कृति व संस्कार। मैं यहाँ उपस्थित सभी बंधु और बांधवों के लिए कहना चाहूंगी, एक समय था जब राजस्थान की महिलाएं 200 फीट गहरे कुएं से पानी निकालती थी व पुरुष वर्ग कमाई के लिए बंबई कलकत्ता चले आए थे, परंतु आज वो ही राजस्थानी वर्ग विश्व में बिड़ला, भूपना, मित्तल और बजाज बन सरस्वती पूजन होगा, क्योंकि हम शक्ति स्वरूपा हैं, हम शक्ति स्वरूपा हैं, और हमारे राजस्थानी समाज में शेखावटी में दादी माँ रानी सती के शौर्य की गाथाएं हम सभी जानते हैं, जानते हैं ना आप लोग सभी? यस, पति के लिए लड़ी, पति के लिए लड़ी वो, लेकिन अंत में एक चीज आप ध्यान दीजिए, जब यदि आप मंगल पाठ करते हैं तो अंत में उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया। आज बहुत सी बातें होती है सेल्फ डिफेंस के लिए, नारी को ये ट्रेनिंग। ऐसी सांसद हैं जो शायद एकमात्र होंगी जो अपने क्षेत्र में पूरी तरह से डिवोशन से काम कर रही हैं, वरना सब 5 साल में एक बार दिखाते हैं चेहरा और फिर 6ठे साल में इलेक्शन के टाइम दिखाते हैं। राधे राधे। मथुरा की सांसद
आइए परम आदरणीय मीना लोग को भी बुलाना भी आगे आगे हमारे राज्यपाल जी नागालैंड के पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य जी बहुत बढ़िया अच्छा दिखे जिनको हम लोग बाबू जी के नाम से काम किया है इस हरिचंद के सत्संग में और कोई नहीं कर सकता है। जिनकी बर्थडे हम लोगों ने अभी पिछले महीने में मनाया था तो आई ऑलवेज प्रे टू गॉड फॉर हिज वेरी लॉन्ग ब्यूटीफुल लाइफ फॉर मेनी मोर इयर्स विद अस। श्रीमती मंजू श्रीवास्तव जी जिन्होंने अभी बहुत खूबसूरती से रामायण के बारे में व्याख्या किया और श्री राम प्रकाश बबना जी श्रीमती शारदा बबना जी और इस मंत्र पर पधारे हुए महिलाएं जिन्होंने इस संस्था के लिए जी जान से काम किया है और बहुत सारे धन भी दिया है। दान देना थोड़ा मुश्किल का काम है ना, कमा लेते हैं फिर देने के लिए जरा मन नहीं करता है, ये इसके लिए दिल होना चाहिए। ये देखिए ये सब आप सब लोग मिलकर जो इस संस्था के लिए जो काम किया है जो सुनने में आया बहुत बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप आगे भी करते रहें यही मैं प्रार्थना करूंगी। और यहाँ मुझे बहुत खुशी से ये कहना पड़ रहा है कि मैं चाह रही थी कि नवरात्रि के पीछे से नवरात्रि अभी होने वाला है उससे पहले मैं चाह रही थी कि रामायण की प्रस्तुति हमारे यहाँ बिहार कला केंद्र जो करते हैं खाना करना चाहिए क्योंकि बहुत सालों से मैं करती आ रही हूँ रामायण में सीता का उसको बोलने ही पे रोकेगा। अभी मैंने मेरे बेटी को ट्रेन किया एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव एक्सेप्टेड एंड कम हियर एंड सी हर डूइंग रामायण विद राम। और ये संस्था जो हमेशा रामायण राम की कथा के साथ जुड़ी हुई है कई सालों से मैंने देखा है, मैंने खुद भी रामायण यहाँ पर प्रस्तुति की है। रामायण की बात ही अलग है, जब हम राम के बारे में सोचते हैं तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में आता है। ये एक्चुअली देव ऋषि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को राम के जन्म से पहले ही दिव्य दृष्टि दी और इसके कारण उन्होंने विश्व को एक महाकाव्य दिया रामायण वाल्मीकि ने। और हिंदुत्व एक जीवन शैली है ये रामायण के द्वारा हमें सीखने को मिलती है। रामायण करोड़ों भारतीयों की आस्था है और उस आस्था के नायक महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामायण में हमें बताया है कि संबंध का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। क्योंकि राम जैसे पुत्र, राम जैसे भाई, राम जैसे पति, राम जैसे दोस्त और ऐसे अनेक संबंधों का उन्होंने इतना सुंदर सा उठना पड़ेगा बाद में भी अभी उठना पड़ेगा उनका कैरेक्टर हुआ है जो हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ऐसा कोई कैरेक्टर आगे होगा भी नहीं। ये हम लोग फिल्मों में स्क्रिप्ट लिखते हैं जो एक हीरो हीरोइन होता है सिर्फ हीरो हीरोइन होने से नहीं चलेगा ना, एक विलन जरूर चाहिए उसमें, नहीं तो पिक्चर नहीं चलेगी। और विलन बहुत पॉपुलर भी हो जाता है because of his performance he can be the best। तो वैसे आप देखा जाए तो रामायण में हर किस्म के कैरेक्टर्स हैं, हीरो है राम, हीरोइन है, फिर भाई, माता पिता, एक दोस्त, एक विलन, ये तो रावण हुए, फिर उसके साथ साथ जो शूर्पणखा जैसा कैरेक्टर्स वो भी हमारे फिल्मों में
नेगेटिव कैरेक्टर बोलेंगे, महिलाएं करती थी लाइक यू नो बिंदु जी एंड ऑल, दे ऑल यूज्ड टू परफॉर्म शो लाइक वो उस टाइप के भी सब किस्म के कैरेक्टर्स रामायण में मिल सकते हैं. रामायण एंड ऑल्सो महाभारत ऐसे एक कहानी कहीं मिल ही नहीं सकती है. उसी को मन में रखते हुए हम लोग भी फिल्मों में बॉलीवुड का फिल्म स्टोरी सब बनता है. तो ऐसा एक एंड देन ऑफकोर्स जनकनंदिनी सीता सनातन परंपरा और संस्कारों के अनुकरण का एक दिव्य रूप है. एक पुत्री के रूप में, एक पत्नी, एक माता, एक कुलवधु, हर रूप में आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती है सीता. ऐसा ये है रामायण हमारे. सो वी आर ऑल रियली ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल एपिक विथ अस. So we are very proud of it. तो ऐसे एक एपिक सब हमें एक मैं कलाकार होने के नाते मुझे ऐसे एक बहुत सुंदर सा एक स्टेज पर परफॉर्म करने को मिलता है. एक एक कैरेक्टर्स मैं तो हमेशा राधा कृष्ण करती हूँ, कभी महालक्ष्मी, कभी दुर्गा, कभी द्रौपदी, कभी यशोदा कृष्ण, यशोदा बेबी कृष्ण के साथ, और रामायण में सीता भी बनी हूँ. और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए. ऐसा नहीं कि फिल्मों में सिर्फ एक बार किया और ख़त्म हो गया. व्हेन वी परफॉर्म ऑन द स्टेज एज ए परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, सालों बहुत साल तक करते रहने का एक अवसर मिलता है. क्योंकि अभी हमने हरि सत्संग में किया, फिर इसे देख के और कोई आकर बुलाते हैं तो हम बड़ा अच्छा लगता है कि और कहीं जाके परफॉर्म करें. ऐसे जगह जगह हमारा एक साल में 15-20 बार इसको दोहराते हैं तो उसका असर कितना हमारे ऊपर पड़ेगा आप जान सकते हैं. सो ऑटोमेटिकली यू बिकम समथिंग वेरी नाइस एंड हेल्प्स यू अ लॉट इन डेवलपिंग योर पर्सनालिटी. ऑटोमेटिकली इट हैपेंस. सो वी आर वेरी ब्लेस्ड. एंड देन मैं बहुत खुशी है कि आज आप सब लोग आए हैं. मेरी बेटी येशा परफॉर्म करने वाली है मेरे पूरे ट्रूप के साथ, जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता, मेरे नाटी विहार कला केंद्र के सारे कलाकार हैं, जिसको भूषण लखंदरी जी ने कोरियोग्राफी किया 20 साल से भी बहुत ऊपर. और रविंद्र जैन जी जो बहुत महान संगीतकार और लिरिक्स, उन्होंने इसका संगीत दिया. और इतना बहुत खुशी होती है कि इसको अभी तक हम लोग इसको परफॉर्म करते जा रहे हैं. तो आप सब देखिए एंड देन गिव योर ब्लेसिंग्स टू माय डॉटर एंड ऑल द आर्टिस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच हेमा जी. अब मैं नागालैंड के राज्यपाल श्री पद्मनाभ बालकृष्ण जी आचार्य से निवेदन करूंगी कि हम सबको अपने आशीर्वचन दें. धन्यवाद. आचार्य जी ने वन क्षेत्रों के लिए बहुत काम किया है. नॉर्थ ईस्ट में इनका बहुत नाम है और इन्होंने पूरे ग्रास रूट लेवल्स पे जाकर काम किया है, तो इनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगा. इतनी बड़ी संख्या में आए हुए भाई बहन को अब सब लोगों को नमस्कार करता हूँ. माननीय स्वरूपचंद गोयल जी, माननीय बबुआ जी, श्रीमती बबुआ जी, श्रीमती हेमा मालिनी, मंच पर उपस्थित श्री हरि सत्संग समिति के प्रमुख दूसरे प्रोग्राम मंच पर बैठे हुए नारियां, सभी के सभी राजस्थान के आज सुशोभित कर रहे हैं. बहुत से मंच पर होने का मौका मिला है पर आज का सहयोग बहुत ही माताओं के साथ, बहन के साथ, इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रेरणा देके इस बड़ा कार्यक्रम में, यज्ञ में भाग लेने का एक मौका मिला है. आप सब महिलाओं को, बहनों को मैं आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ. दोस्तों, यहाँ हम
रामायण की कथा सुनने के लिए आए हैं, नृत्य नाटिका देखने के लिए आए हैं। रामायण में क्या होने वाला है, क्या क्या है, सभी चीज़ों को सभी लोग जानते हैं, फिर भी उत्सुकता रहती है, देखने का इच्छा रहती है, हर बार हम कुछ न कुछ संदेश लेते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के सीन सभी अतिथियों से निवेदन है कि नीचे सभागार में अपना स्थान ग्रहण कर लें। नहीं मैडम सर, नहीं पहली सीट है वो, इधर नहीं, इधर नहीं बैठनी मैडम, इधर नहीं बैठनी। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले नीचे मंच। हम अभी यहाँ पर वीडियो रख दिखाएंगे, रथ का जो लोकार्पण हुआ है उसका वीडियो यहाँ पर दिखाएंगे। इसे हम thank you.
फोटो ले रहा है मैं वो सबसे बेस्ट हुई कब से बात निहार कब गुरु के संग जाए चार